You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. दोस्तों मैं सांस नहीं आता, स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम पढ़ रहे थे, ओपैम के अंदर भी आइडियल ओपैम। आइडियल ओपैम में आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड स्मिट ट्रिगर। अब स्मिट ट्रिगर में देखिए आपको पॉजिटिव फीडबैक दिख रहा होगा, तो हमने पहले भी समझाया था आपको जब हमने फीडबैक पढ़ाया था कि नेगेटिव फीडबैक से एम्पलीफायर बनता है और पॉजिटिव फीडबैक से हमारा ऑसिलेटर बनता है। मींस ये तो कंफर्म है कि इसका आउटपुट जो है वो ऑसिलेट करने वाला है, लेकिन इसका आउटपुट निकालेंगे कैसे वो समझने के लिए सबसे पहले आप कंपैरेटर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे जस्ट पहले अपलोड हुआ है वो, कंपैरेटर का वीडियो देखे बिना ये वीडियो हमें समझ में नहीं आएगा। कंपैरेटर की वीडियो में हमने समझाया था कि अगर नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो माइनस पीक वैल्यू आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल का अगर वोल्टेज ज्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज जो है पॉजिटिव पीक आएगा। बस यही ध्यान देना है, जिस टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा वही वाली पीक जो है वो आउटपुट वोल्टेज हमारा हो जाएगा। तो कंपैरेटर का लॉजिक आप जरूर समझ लीजिएगा। अब यहां पे समझिए, एक यहां पे देखिए इसमें ट्रिगर दो टाइप के होते हैं, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। तो यहां पे जो कि हम इनपुट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं, दैट मींस कि ये हमारा इन्वर्टिंग स्मिट ट्रिगर है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इन्वर्टिंग स्मिट ट्रिगर, नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट में देखेंगे हम नॉन इन्वर्टिंग स्मिट ट्रिगर। तो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट को कंपेयर किससे करना है, इस टर्मिनल के वोल्टेज से जिसको हम x मान के चलते हैं, और x की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि देखिए यहां से जो करंट आएगी वो सीधी नीचे जाएगी, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकती है, इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल ओप एम्प का इनफाइनाइट होता है। तो सीधा सीधा हम वोल्टेज डिवाइडर अगर लगा दें, ये वोल्टेज हुआ वी नॉट, तो इसके अक्रॉस जो x वोल्टेज है वो x इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। अब v नॉट की वैल्यू क्या होगी इस पे डिपेंड करेगा कि ये x क्या है, और x की वैल्यू क्या होगी उससे हम ये पता कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, और इन दोनों में से कौन बड़ा अगर पता चल गया तो हम पता कर पाएंगे कि आगे आउटपुट हमारा क्या हो सकता है। तो इस स्मिट ट्रिगर को समझने के लिए हम सीधा एक न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं। लेट वी वन को हम बोल देते हैं यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट, माइनस वी टू को हम लेट बोल देते हैं माइनस का 4 वोल्ट। जरूरी नहीं है कि दोनों को हमें सेम ही रखना है, अलग अलग भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आर टू को लेट हम बोल देते हैं 3K, और आर वन को हम बोल देते हैं यहाँ पे 2K। तो ये 3K हो गया, ये हमारा 2K हो गया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दिस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 5 वी नॉट। ये हमारा x की वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहां पे एक इनपुट और ले लेते हैं vi, और vi की वैल्यू हम ले लेते हैं vi इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा t। तो 10 साइन ओमेगा टी में पीक यहां पे माइनस 10 और प्लस 10, ये पीक टू पीक पॉइंट होंगे। ऊपर हो गया प्लस 10, नीचे हो गया हमारा माइनस 10। अब जरा हम देखते हैं इनिशियली, सबसे स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं कि इनिशियली आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो है। सबसे पहली बार जब आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा इनिशियली, तो एक्स की वैल्यू इनिशियली, ये हम इनिशियली की बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में, इनिशियली x इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। x इज इक्वल टू जीरो मीन्स यहां पे जीरो। तो अब हमें क्या देखना है, vi देखना है। तो सबसे पहले जैसे ही vi थोड़ा भी आगे बढ़ा तो vi हो गया पॉजिटिव, और vi पॉजिटिव हो गया और यहां पे x की वैल्यू क्या है जीरो, दैट मीन्स इस टर्मिनल का वोल्टेज इस टर्मिनल के वोल्टेज से क्या हो गया ज्यादा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो क्या हो गया तुरंत के तुरंत ज्यादा हो गया। और जब भी नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा आउटपुट वोल्टेज अब जो आएगा वो निगेटिव पीक आ जाएगा, मतलब माइनस 4 वोल्ट यहां पर आउटपुट वोल्टेज आ गया है। तो आउटपुट वोल्टेज का अगर हम ग्राफ बनाए यहां पर, तो आउटपुट वोल्टेज इस केस में कितना आ चुका है माइनस 4 वोल्ट। अब देखिए जैसे ही आउटपुट वोल्टेज आता है माइनस 4 वोल्ट, तुरंत के तुरंत हम देखते हैं कि अब x की नई वैल्यू आ जाएगी, और x की वो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे देखिए 2y5 इंटू माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 8y5 दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं माइनस 1.6 वोल्ट, माइनस 1.6 वोल्ट, मतलब अब एक नया रेफरेंस आ गया है कितना माइनस। अब देखिए जीरो तो कभी आएगा नहीं, एक ही बार एक्स की वैल्यू जीरो आई,
अब एक्स की कभी वैल्यू जीरो नहीं आएगी क्योंकि आउटपुट वोल्टेज या तो पॉजिटिव पीक होगा या नेगेटिव पीक होगा। तो जब नेगेटिव पीक आउटपुट वोल्टेज हुआ है उस केस में हमारा जो एक्स हुआ है वो -1.6 हुआ है, तो हम यहां पे -1.6 की एक लाइन खींच देते हैं, कितना -1.6 वोल्ट। अब आप देखिए यहां पे ये एक्स क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, और इनपुट इस टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो देखिए ज्यादा है इस -1.6 से। तो जब तक नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज इस एक्स से ज्यादा बना रहेगा तब तक आउटपुट वोल्टेज जो है, नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज ज्यादा होने के कारण क्या रहेगा, आउटपुट माइनस पीक रहेगा। और ये अगर माइनस पीक है तो एक्स की वैल्यू भी कितनी -1.6 फिक्स रहेगी। कब तक, जब तक इनपुट वोल्टेज इस डॉटेड लाइन से ऊपर है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज इस एक्स की वैल्यू से बड़ा है। तो इस पॉइंट तक हम देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो फिक्स रहेगा, कितना -4 वोल्ट। जैसे ही हमने देखा कि इनपुट वोल्टेज इस पॉइंट से नीचे उतरा तो हमने क्या देखा कि एक्स से इनपुट की वैल्यू कम हो गई, एक्स से इनपुट की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम। अब जब इनपुट हो गया कम मतलब नेगेटिव टर्मिनल की वैल्यू कम और पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा हो गई। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज की वैल्यू होगी ज्यादा तो अब आउटपुट आ जाएगा पॉजिटिव पीक, और जैसे ही पॉजिटिव पीक आउटपुट आया तुरंत यहां पर अब हमें क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव पीक। तो पॉजिटिव पीक रखने से आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव पीक रखने से एक्स की अब नई वैल्यू आ चुकी है 2 वोल्ट। क्या समझ में आया हमें कि अब नई एक्स की वैल्यू आ चुकी है कितनी 2 वोल्ट, प्लस में 2 वोल्ट हमारी नई एक्स की वैल्यू आ चुकी है। इनपुट वोल्टेज जैसे ही -1.6 से नीचे हुआ तुरंत के तुरंत आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो गई थी +5 वोल्ट, ये हो चुकी है +5 वोल्ट, और ये बनी रहेगी कब तक, जब तक कि इनपुट इस एक्स से कम है। नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज अगर पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज से कम है और पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज अगर नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से ज्यादा है, जिस टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है आउटपुट वही पीक मिलेगा, तो +5, और ये +5 तब तक जब तक +5 बना रहेगा तब तक ही एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 2। तो दैट मीन्स कि जब तक इनपुट एक्स से छोटा है तब तक ये कंडीशन कांस्टेंट होने वाली है। तो यहां देखिए अब इनपुट इधर से गया, अभी भी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2 वोल्ट, यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक इस पॉइंट तक इनपुट जो है वो एक्स से छोटा है, तो इस पॉइंट तक हम बोलेंगे कि आउटपुट की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, कितने वोल्ट, +5 वोल्ट। जैसे ही इनपुट इससे किया क्रॉस, जैसे ही इनपुट 2 वोल्ट से बड़ा हुआ, मतलब एक्स की वैल्यू से बड़ा हुआ इनपुट, एक्स की वैल्यू से जैसे ही इनपुट बड़ा हुआ तो आप देखोगे नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हो गया ज्यादा, और नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज अब क्या आ जाएगा, माइनस पीक। और आउटपुट वोल्टेज माइनस पीक अगर हुआ तो उस केस में हम बोल देंगे कि अब एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, -1.6 वोल्ट। मतलब अब जैसे ही ये ऊपर हुआ तो अब रेफरेंस ये वाला एक्टिव हो गया, दूसरा रेफरेंस एक्टिव हो गया। अब रेफरेंस है ये और इनपुट तो बहुत ऊपर है, मतलब इनपुट की वैल्यू ज्यादा है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब नेगेटिव पीक कॉन्स्टेंट रहेगी। कब तक, जब तक कि ये इनपुट किससे कम ना हो जाए, अब 2 से नहीं -1.6 से, तो ये है -1.6, जब तक इससे कम ना हो जाएगा तब तक आउटपुट वोल्टेज फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, -4 वोल्ट। ये जो -4 वोल्ट है यही आउटपुट वोल्टेज फिक्स रहेगा, कब तक, इस पॉइंट तक। और जैसे ही हमने देखा कि इस पॉइंट से नीचे आया इनपुट, दैट मींस इनपुट की वैल्यू, ये रेफरेंस क्या है, एक्स है, दैट मींस इनपुट की वैल्यू इस एक्स से कम हो गई, दैट मींस एक्स की वैल्यू इनपुट से बड़ी हो गई। तो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से बड़ा हुआ, और जब पॉजिटिव का टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा होगा तो आउटपुट वोल्टेज तुरंत आ जाएगा प्लस पीक, पॉजिटिव पीक। और आउटपुट वोल्टेज जब हमारा पॉजिटिव पीक आएगा तो उस केस में हम देखेंगे कि अब एक्स की नई वैल्यू सेट हो जाएगी, नया रेफरेंस सेट हो चुका, कौन सा, 2 वोल्ट। तो अब जब तक ये नीचे रहेगा किससे, अब 1.6 से नहीं, अब इस 2 से,
जब तक इस 2 से नीचे रहेगा तब तक आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा हमारा, प्लस 5 वोल्ट रहेगा। तो यहां पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो चुका था, प्लस 5 वोल्ट, और ये प्लस 5 वोल्ट ही रहेगा कब तक, यहां तक। और इसी तरीके से वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है स्मिथ ट्रिगर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर वेव फॉर्म मिल रही है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर वेव फॉर्म तो मिल रही है, लेकिन किसके कारण, हमें इनपुट के कारण। दोनों बार हमें जब पॉजिटिव प्लस में पीक वैल्यू आउटपुट है तो हमें इनपुट चेंज करना पड़ रहा है, तब नेगेटिव पीक आ रहा है, जब नेगेटिव पीक में कांस्टेंट है तो हमें फिर इनपुट चेंज करना है तो पॉजिटिव, मतलब हर बार हमें स्टेट को चेंज कराना पड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों स्टेट स्टेबल हैं, हमें चेंज कराना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है। दैट मींस ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह हमारा काम कर रहा है। स्मिथ ट्रिगर इज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्योंकि ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जो ऑटोमेटिकली दूसरी स्टेट में स्विच हो रही हो। अगर एक स्टेट हमारी ऐसी होती जो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती और एक स्टेबल होती जो स्विच ना होती तो हम बोलते मोनो स्टेबल, अगर दोनों स्विच हो जाती ऑटोमेटिकली तो हम बोलते अस्टेबल, और अगर दोनों ही स्टेबल हैं, एक भी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रही, हम जब तक इनपुट चेंज ना करें वो स्टेट वही की वही रहेगी, तो हम बोलेंगे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यहां अगर हम मान लीजिए इनपुट यहां है तो आउटपुट ये रहेगा, और हम अगर इनपुट चेंज ना करें, इनपुट को कांस्टेंट कर दें, तो आउटपुट भी यही रहेगा, मतलब जब तक इनपुट चेंज नहीं करेंगे आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यहां पे ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस इनपुट की, वाई एक्सिस आउटपुट की, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो ये एक एक्स की वैल्यू ये थी और एक एक्स की वैल्यू ये थी, देखिए ये दोनों थ्रेशोल्ड वैल्यूज कहलाती हैं। जब भी इस एक्स की वैल्यू से जब हाई से लो की तरफ क्रॉस हो रहा है तो आप देखिए कि जो इनपुट है आउटपुट जो है वो हमारा लो से क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। जब ये हाई से लो जा रहा है इनपुट, तो आउटपुट जो है वो लो से, सॉरी इनपुट जब हाई से लो हो रहा है तो आउटपुट लो से क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। ये कहलाती है नेगेटिव थ्रेशोल्ड वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव में है, नीचे की तरफ वैल्यू है। इस वैल्यू को देखिएगा, ये वैल्यू कब काम कर रही थी, यहां एक्टिव हो रही थी। यहां पे हमने देखा था कि जैसे ही इनपुट लो से हाई गया, इसको क्रॉस किया लो से हाई, तो उस केस में आउटपुट जो है वो हाई से क्या हो रहा था, लो हो रहा था। इसीलिए इसे इनवर्टिंग स्मिथ ट्रिगर भी बोलते हैं, मतलब जो थ्रेशोल्ड लेवल है इसे बोलेंगे पॉजिटिव थ्रेशोल्ड लेवल या अपर थ्रेशोल्ड लेवल। ये अपर थ्रेशोल्ड लेवल, ये लोअर थ्रेशोल्ड लेवल, अपर थ्रेशोल्ड लेवल, लोअर थ्रेशोल्ड लेवल, या अपर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, लोअर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो इनवर्टिंग स्मिथ ट्रिगर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इस पॉइंट को इनपुट हाई से लो क्रॉस करता है तो आउटपुट जो है वो लो से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इनिशियली देखिए सबसे स्टार्टिंग में आउटपुट वोल्टेज जीरो था, आउटपुट वोल्टेज इनिशियली जीरो था, लेकिन थोड़ा ही इनपुट बढ़ा था, थोड़ा ही इनपुट बढ़ा था। देखिए जब आउटपुट वोल्टेज जीरो था तो उस केस में एक्स की वैल्यू भी जीरो थी, मतलब स्टार्टिंग का रेफरेंस हमारा जीरो था, सिर्फ एक बार, उसके बाद कभी जीरो नहीं आया रेफरेंस, या तो -1.6 आया है या +2 आया, मतलब या तो लोअर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया है या अपर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया है एक्स की वैल्यू। तो आप स्टार्टिंग में देखिए कि इनिशियली हमारा आउटपुट वोल्टेज जो था वो क्या था, जीरो था। सबसे पहले उस केस में हमारी एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई थी, जीरो आ गई थी। मीन्स सबसे पहला रेफरेंस वोल्टेज हमारा जीरो था, जो दोबारा कभी नहीं हुआ, सिर्फ पहली बार जीरो था। जब रेफरेंस वोल्टेज था जीरो और इनपुट ने बढ़ना स्टार्ट किया, इनपुट थोड़ा ही बढ़ा तो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल के जीरो वोल्टेज से ज्यादा हो गया। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज सडनली नेगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है जीरो, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज पॉजिटिव होना स्टार्ट किया, मतलब ये प्लस में आया। थोड़ा ही प्लस में हुआ तो आउटपुट तुरंत क्या हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है, दैट मींस नेगेटिव पीक, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा -4 वोल्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली आउटपुट जीरो था, लेकिन थोड़ा ही इनपुट बढ़ाने की कोशिश करोगे तो तुरंत आउटपुट वोल्टेज आपका कितना आ जाएगा, माइनस पीक, मतलब -4 वोल्ट आ गया। यहां पे हम देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज आ चुका है -4 वोल्ट। तो यहां से इधर की तरफ हम बढ़े, अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को हम और बढ़ा रहे हैं।
इनपुट वोल्टेज बढ़ा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है और ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो देखिएगा कहां पे कौन सा काम आएगा। अब हमारा इनपुट, अब कौन सा, जब नेगेटिव आउटपुट आया तो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कितना आ गया -4, दैट मींस -1.6 वोल्ट। तो नेगेटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक्टिव हो गया। तो जैसे ही हमने इनपुट को बढ़ाया, अब हम इनपुट को बढ़ाते जा रहे हैं, इनपुट को हम बढ़ा रहे हैं कहां, पॉजिटिव की तरफ। तो देखिए हम इनपुट को पॉजिटिव की तरफ ले गए, पॉजिटिव की तरफ हम ले गए, लेकिन अभी इस -1.6 से तो ज्यादा ही है इनपुट, मतलब इनपुट की वैल्यू माइनस, अब यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है -1.6, इनपुट की वैल्यू -1.6 से ज्यादा है, दैट मींस आउटपुट वोल्टेज अभी फिक्स रहेगा। कब तक, जब तक अब ये इनपुट वोल्टेज बढ़ते 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 कहां तक पहुंचा, पीक वैल्यू तक पहुंचा, मतलब बढ़ते बढ़ते ये कहां तक पहुंच जाएगा, 10 वोल्ट तक पहुंच जाएगा इनपुट। इनपुट तो बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट कॉन्स्टेंट है। अब इनपुट धीरे धीरे कम होगा तो इनपुट लौटने लगेगा, ये लौटा, धीरे धीरे कम हुआ, इनपुट जीरो हुआ, कम होते होते देखिए जीरो हुआ, अभी रेफरेंस तो क्या चल रहा -1.6। जैसे ही जीरो से नेगेटिव की तरफ इनपुट आया, आया इनपुट नेगेटिव की तरफ, जैसे ही क्रॉस किया किसको, -1.6 से कम हुआ, तो -1.6 से थोड़ा भी कम होगा तुरंत आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव से किस पे स्विच कर जाएगा, पॉजिटिव पे स्विच कर जाएगा। तो ये इनपुट वोल्टेज को, इसको हमें क्या मानना है, -1.6। जैसे ही इनपुट वोल्टेज -1.6 पे पहुंचा, उससे थोड़ा भी नीचे होने की कोशिश करेगा, तुरंत आउटपुट वोल्टेज स्विच होके किस में चला जाएगा, +5 वोल्ट में। तो इस केस में अब आउटपुट वोल्टेज हमारा तुरंत जंप करके कहां पे पहुंच गया, +5 वोल्ट में पहुंच गया। अब +5 वोल्ट में पहुंच तो गया, लेकिन जैसे ही ये +5 वोल्ट होगा तो अब जो रेफरेंस है वो अब -1.6 नहीं बचेगा, अब हमारा रेफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, मतलब यहां क्या मिल गया, 2 वोल्ट। अब रेफरेंस हमारा क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अब आप देखिए कि इस -1.6 से हमने इनपुट कम किया, तो इनपुट ये -1.6 है तो इनपुट और कम करेंगे, आउटपुट तो क्या हो चुका है हमारा, +5 वोल्ट। तो अब इधर से जाएगा, इधर से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इधर तब जा रहा था जब आउटपुट था -4 वोल्ट, लेकिन अब आउटपुट क्या हो चुका है, +5 वोल्ट हो चुका है, तो ऊपर, तो ये इधर को बढ़ा, चला रहा है नीचे, चला रहा है, क्यों चला रहा है, क्योंकि अभी ये जो इनपुट है ये 2 वोल्ट से कम है, इनपुट जो है वो 2 वोल्ट से कम, मतलब ये 2 वोल्ट ज्यादा है इनपुट से, तो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है, तो आउटपुट वोल्टेज अभी कॉन्स्टेंट रहेगा, पीक तक आउट पॉजिटिव पीक ही रहेगा। अब हमने क्या किया है कि धीरे धीरे इनपुट को कम करना स्टार्ट किया, तो इनपुट कम होते 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 कहां तक गया, मिनिमम पीक तक, नेगेटिव पीक तक गया। तो नेगेटिव पीक, दो पीक है यहां, एक इनपुट की पीक और ये आउटपुट की पीक, तो इनपुट की पीक है +10 और -10, आउटपुट की पीक है +5 और -4, तो इनपुट कहां तक गया, -10 तक गया, तो यहां कहीं पे -10 वोल्ट होगा। जैसे ही -10 वोल्ट पे पहुंचा तो अब इनपुट फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो अब इनपुट उल्टी तरफ जाएगा, कहां की तरफ, जीरो की तरफ भाग रहा है, जीरो कहीं यहां होगा, जीरो की तरफ भाग रहा। इस पूरे केस के दौरान आउटपुट तो अभी +5 वोल्ट ही है, इसलिए देखिए इसी लाइन पे घूम रहा है, घूमते घूमते ये इस 1.6 को भी क्रॉस करेगा, -1.6 को, लेकिन इसके क्रॉस करने से कुछ नहीं है क्योंकि अभी ये रेफरेंस तो है ही नहीं, मतलब इसको भी क्रॉस कर जाएगा लौट के, घूमते घूमते ये जीरो को भी क्रॉस करेगा, लेकिन जीरो भी रेफरेंस नहीं है तो भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये इसको भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन घूमते घूमते जैसे ही ये पहुंचा किस पे, 2 वोल्ट पे, 2 वोल्ट से थोड़ा भी आगे बढ़ा कि आउटपुट तुरंत चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनपुट नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज जो इनपुट है वो 2 वोल्ट से बड़ा हो गया, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज जैसे ही बड़ा होगा तो आउटपुट वोल्टेज अब नेगेटिव पीक आ जाएगा, -4 वोल्ट। तो जैसे ही इस 4 वोल्ट से हुआ ज्यादा, थोड़ा ही क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तुरंत आउटपुट जंप लेके कहां पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा आउटपुट जंप लेके, मतलब आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा, -4 वोल्ट।
अब हम इनपुट को और बढ़ा रहे हैं, बढ़ा तो रहे हैं, अब हम इनपुट को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आउटपुट जब -4 वोल्ट होता है तो एक्स की वैल्यू हो जाती है -1.6। तो अब हमारा इनपुट तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अब हमारा इनपुट इस एक्स से ज्यादा है। इनपुट जब नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज इस पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज से ज्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव पीक ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है। कब तक? जब तक ये ऊपर है इससे -1.6 से। तो ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? +10 तक जाएगा। तो ये भागते भागते कहां तक गया? +10। फिर +10 से जैसे ही लौटेगा तो अगेन ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करता रहेगा। तो आप क्या देखोगे? एक आपका हिस्टेरेसिस लूप बन गया है। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन ध्यान रखना, नॉर्मली बुक्स में ये वाला पाथ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये एक ही बार पाथ आया है। तो इसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं या ट्रांजिएंट पार्ट बोलते हैं। बाकी जो सारे पार्ट हैं वो सारे के सारे रिपीट होंगे। अब जैसे ही लौटेगा तो इस पाथ से लौटेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये बार बार रिपीट होगा, लेकिन ये वाला पार्ट कभी रिपीट नहीं होगा, इसलिए नॉर्मली बुक्स में इस पार्ट को नहीं दिखाया जाता है। तो ये इनपुट और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो गई? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ये हमारी बन चुकी है। किसकी? सिमेट्रिकर की, जिसमें हमें ध्यान रखना है ये हमारा क्या है? लोअर थ्रेशोल्ड लेवल। ये हमारा क्या है? अपर थ्रेशोल्ड लेवल। और ये बन चुका है हमारा इनवर्टिंग सिमेट्रिकर। और इनवर्टिंग सिमेट्रिकर का जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारी क्या आ रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है हमारा। तो यहां पे हर चीज का लॉजिक आपको समझना होगा। एक तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज क्यों बन रहा है, दूसरा ये चीज ध्यान रखना कि इसको इन्वर्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी हम एक थ्रेशोल्ड को हाई से लो क्रॉस करते हैं, कौन से थ्रेशोल्ड को? जो एक्टिव हो। देखिए जब हाई से लो हम क्रॉस कर रहे हैं तो उस केस में एक्टिव कौन सा है? ये वाला एक्टिव था, लोअर थ्रेशोल्ड लेवल। तो जब हाई से लो क्रॉस करते हैं लोअर थ्रेशोल्ड उस टाइम पे एक्टिव रहता है, और जैसे ही क्रॉस करते हैं तुरंत नेगेटिव से आउटपुट पॉजिटिव हो जाता है। इनपुट हम हाई से लो जा रहे हैं लेकिन आउटपुट हाई लो से हाई हो रहा है, और जैसे ही आउटपुट लो से हाई हुआ तो अगर आउटपुट हाई है तो अब तुरंत थ्रेशोल्ड कौन सा एक्टिव हो गया? हायर थ्रेशोल्ड एक्टिव हो गया। और हायर थ्रेशोल्ड कब तक एक्टिव होगा? जब तक इसको क्रॉस ना करें। और जैसे ही अब देखिए इनपुट लो से हाई जा रहा, कोई थ्रेशोल्ड कब तक एक्टिव रहता है? जब तक कि उस थ्रेशोल्ड को इनपुट क्रॉस नहीं कर देता है। जैसे इनिशियली हमारा नेगेटिव थ्रेशोल्ड एक्टिव था, तो इनपुट ऐसे 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 गया, और जैसे ही इस थ्रेशोल्ड को किया क्रॉस तो तुरंत ये थ्रेशोल्ड खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि इनपुट अब लो से क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो तुरंत हाई थ्रेशोल्ड एक्टिव। अब ये थ्रेशोल्ड जब एक्टिव हो गया तो कब तक एक्टिव रहेगा? जब तक ये इनपुट घूमते 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 इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे ही इनपुट ने लो से हाई किया इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस, तुरंत आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। अभी हाई थ्रेशोल्ड था मतलब आउटपुट वोल्टेज हाई था, तो तुरंत आउटपुट वोल्टेज अब हाई से क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो अब कौन सा थ्रेशोल्ड एक्टिव हो जाएगा? नीचे वाला। और वो कब तक रहेगा? जब तक ये इनपुट फिर से नीचे वाले को क्रॉस ना करे। जैसे ही क्रॉस करेगा तो तुरंत आउटपुट भी चेंज होगा और अब थ्रेशोल्ड भी चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हैं हम, थोड़ा सा अगर अच्छे से समझ लें तो। यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसलिए ले लिया था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, नहीं तो R1 R2 के फॉर्म में लिखते रहते हैं तो हमें आसानी से समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग सिमेट्रिकर। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे नॉन इन्वर्टिंग सिमेट्रिकर। तो हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियो नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोज की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच।